हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय बर्ड फार्म हिडन हैप्पीनेस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिडन हैप्पीनेस। और फ्रेंड्स, जैसे कि ठंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहली बात है कि आपके बर्ड्स को बचाने के लिए, जैसे कि हमने ये पूरा फार्म कवर किया है, ये देख सकते हो कि हमने पूरे फार्म में प्लास्टिक लगा दिया है, क्योंकि ठंडी की वजह से कब ठंडी लग जाए बर्ड्स को आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बर्ड्स को ठंडी लग जाएगी और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए पूरे फार्म में आप प्लास्टिक लगा दीजिए कि ठंडी हवा अंदर ना आए। दूसरी बात, हमने आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सभी बर्ड्स को सॉफ्ट सीड भी नहीं दिया, ना कंगनी दाना, कोई भी सीड्स नहीं दिया। रात से हमने सभी चीज़ निकाल लिया था, पानी भी निकाल लिया था, और सुबह करीबन 8-9 बजे के टाइम में हमने उसको ड्रम स्टिक आती है उसके लीव्स और उसकी स्टिक्स, जो ड्रम स्टिक की स्टिक्स रहती है वो दिया, क्योंकि उसके इम्यूनिटेशन पावर के लिए। और दूसरी चीज़ दिया नीम की लीव इसलिए दिया क्योंकि उसके डीवर्मिंग होगा, नेचुरल डीवर्मिंग। और दूसरी चीज़ उसके उसके इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला कि आपको कि सभी चीज़ कवर करो, और हमने जो प्रोवाइड किया है सुबह, अभी करीबन हफ्ते में अभी 2 ही बार देंगे, फिर इसका स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा डीवर्मिंग करना भी अच्छा नहीं, क्योंकि इन लोग का ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है। दिया है नीम लीफ और ड्रम स्टिक का लीफ और उसका ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस भी देना अच्छा है उनके बोन्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा कि ठंडी सीज़न भी स्टार्ट हो गया, तो मेन चीज़ है कि पूरा कवर कर दीजिए कि बर्ड को ठंडी लगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ठंडी लगा, क्या लगा। इस वीडियो का जो मेन जो पार्ट था कि हमें जो आपको बताना था कि बर्ड्स को ठंडी से बचाना है, जो बर्ड्स को मेन चीज़ है कि उनको ठंडी से बचाना, मेन ठंडी के समय में उनको ठंडी ना लगे, चीज़ वही है कि आप पूरा फार्म को कवर करें। मेन चीज़ है कि ग्रीन नेट या कपड़े से उसको कवर ना करो, प्लास्टिक से कवर करो, क्योंकि प्लास्टिक से ठंडी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग की ठंडी कब बर्ड्स को ठंडी लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। जितना हो सके अपने बर्ड फार्म या छोटा केज है तो उसको पूरा कवर करो रात के समय में। आपको लगा कि सुबह के अर्ली टाइम में उसको खोल दो, सन रेज आ रही है, क्योंकि उनको यूवी रेज भी अच्छा है उनके लिए, सन रेज जो सुबह सुबह धूप आती है वो भी उसमें भी आप रखो, क्योंकि बैक्टीरिया या अंदर कुछ भी बीमारी चल रही हो तो गर्मी की वजह से मर जाएगी, और ठंड से बचाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही हम एंड करेंगे। जितना हो सके लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। सभी बर्ड्स को प्रोवाइड कर दिया, देख सकते हो सभी बर्ड्स शौक से खा रहे, और यहाँ पर सेपरेट केजेस वाले बर्ड्स भी आ गए। फ्रेंड्स, हमने जो बताया था नीम लीफ और बेम्बू स्टिक्स के लीव्स सभी बर्ड्स को प्रोवाइड कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो कि सभी लव बर्ड्स भी आ गए उसको खाने के लिए, और यहाँ कॉकटेल्स भी आ गए, आप देख सकते हो सभी कॉकटेल्स भी इधर उसको खाने के लिए आ गए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल ही सभी चीज़ रहेगा, नेचुरल डीवर्मिंग, नेचुरल सभी चीज़ नेचुरली, कुछ ऊपर से मेडिसिन देना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने सभी बर्ड्स को ये प्रोवाइड किया। और ये ठंडी के टाइम में थोड़ा अच्छा है, देख सकते हो, और क्योंकि आधे बर्ड्स तो इसको अंदर नेस्टिंग में भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा लव बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का काम भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे सेपरेट केजेस में उनको भी अब प्रोवाइड कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये शौक से उनके खाएंगे।